1804 में बन के कम्प्लीट हुआ था, जिसकी वजह से ये 200 साल पुराना है। ये जो है ये एक्चुअल में एक मशीन गन है। चांदी का चम्मच जैसा लग रहा है बट है नहीं। And welcome back to the channel. So, आज का दिन बहुत ही ज़्यादा special है क्योंकि आज हम लोग 200 साल पीछे आ चुके हैं and वो है the Bulgaria Palace. Have a look. अंदर चल के देखते कैसा है. Let's go. ऑलराइट, तो मैं अभी बेलगाडिया पैलेस के अंदर आ चुका हूँ एंड आप लोगों ने बाहर से तो देख ही लिया होगा कि कितना ज़्यादा सुंदर है. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि खूबसूरत और सुंदर शब्द का प्रयोग इस ब्लॉग में बहुत ज़्यादा होने वाला है क्योंकि ये जगह ही ऐसी है यार, मैं बिना बोले रेजिस्ट नहीं कर पा रहा हूँ. अंदर आते मतलब मैं तो दंग रह गया, इतनी खूबसूरती. ओह, वो आपको मैं दिखाऊंगा कुछ समय, लेकिन उसके पहले कुछ बातें कर लीजिए इस पैलेस के बारे में. तो इस पैलेस में टोटल 9 बेडरूम्स हैं एंड ये 1804 में बन के कम्प्लीट हुआ था, जिसकी वजह से ये 200 साल पुराना है. एंड ऐसा नहीं है कि पूरा पैलेस 1804 में बन गया था, फेजेस में बना था. तो ग्राउंड फ्लोर जो था वो 1804 में कम्प्लीट हुआ था एंड उसके बाद जैसे जैसे रॉयल फैमिली यहाँ पे रहने लगी थी उसके बाद इसका एक्सपेंशन हुआ एंड ये बनता गया. एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात है इस पैलेस के बारे में कि अभी भी यहाँ पर रॉयल फैमिलीज रहती हैं. तो उन्होंने ऐसा किया है कि कुछ पार्ट जो है वो लोग, कुछ जो सेक्शन है इस पैलेस का उसमें वो लोग रहते हैं एंड बाकी जो दूसरा सेक्शन है उसको आम जनता के लिए खोल दिया है. तो यहाँ पे आप आ सकते हो बट हाँ, आपको बुकिंग करनी होगी ऑब्वियसली. MMT पे ये लिस्टेड है तो आप वहाँ से बुक कर सकते हो. 6,500 पर नाइट आपको पड़ेगा एंड फिर से फैसिलिटीज़ तो सारी रॉयल वाली हैं एंड रूम्स भी काफ़ी रॉयल हैं. रूम की वीडियोज़ मैं आपको आगे दिखाऊंगा. अब आप सोचोगे कि अब ये जगह है कहाँ, कैसे आएँ, क्या करें. तो ये बेलगाडिया पैलेस बारीपदा में है जो कि ओडिशा में है. अगर आपको यहाँ आना है तो भुवनेश्वर से 5-5.5 घंटे की ड्राइव है. आप वैसे आ सकते हो कार रेंटल लेकर या फिर ड्राइवर के साथ जैसे वहाँ से आ सकते हो. या फिर अगर आपको कोलकाता से आना, कोलकाता से भी ये 5-5.5 घंटे ही हैं इसको लगते हैं. जमशेदपुर से भी 4-4.5 घंटा ऐसी कुछ है टाइम. एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं है, मैं जब देखा था लास्ट टाइम तो उतना बता रहा था. तो वहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हो, बेलगाडिया पैलेस आ सकते हो डायरेक्टली. और एक चीज़ है इस पे मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है वो खड़गपुर रेलवे स्टेशन है. तो आप लोग वहाँ से भी आ सकते हो. बस इतना कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया मैं. अब आप लोगों को मैं अंदर का दिखाता हूँ कि अंदर से ये कैसा दिख रहा है. लेट्स गो. तो मैं सुबह 3 बजे उठा था आज, तो इसलिए मैं थोड़ा स्लीपी लग सकता हूँ. एंड 3 बजे उठ के हम लोग निकले वहाँ से भुवनेश्वर से. अराउंड सबको पिकअप करते करते 6 बज गया. तो यहाँ पहुँचते हमें 12 बजे या 11:30 के अराउंड हो गया था. यहाँ पे मैं क्यों आया हूँ वो एक थोड़ा सा डिफरेंट प्रोजेक्ट है, मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा मैं यहाँ क्यों आया हूँ एग्जैक्टली. अभी फ़िलहाल हमारे लंच का टाइम हो चुका है तो हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए. एंड लंच में इन लोगों का जो है, इन लोगों का एक थाली आता है जो 900 रुपीज़ का होता है पर प्लेट. लेकिन हम लोग ज़्यादा खाने के मूड में थे नहीं क्योंकि कल भी रात भर सोए नहीं है ठीक से एंड अभी बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो फिर से नींद आएगा एंड अभी फिर से हमें थोड़ा घूमना है यहाँ पे. तो हम नहीं चाहते थे ज़्यादा खाना, तो हमने सिर्फ चावल दाल और चिकन ऑर्डर किया. खाना लग चुका है तो अब हम लोग खाने के लिए जा रहे हैं. चांदी का चम्मच जैसा लग रहा है बट है नहीं.
नाइस। तो अभी हम लोग यहाँ पर खाने आए थे एंड यहाँ पे ये घंटी है। जब राजा महाराजा के टाइम पे राजा लोग वो जो हेड होते थे वो इसको 3 बार बजाते थे एंड अगर कोई नहीं आता था उस 3 बार बजाने के बाद भी तो उसे खाना नहीं मिलता था। बहुत लाउड बजते थे। अरे तो खाना ख़त्म हो चुका है एंड द फूड वॉज सुपर। मतलब इनका जो दाल था, हम लोग जो नॉर्मल दाल खाते हैं वो नॉर्मल दाल ही मंगाया था हमने, लेकिन ये कुछ अलग था। एंड चिकन का जो ग्रेवी था लाजवाब, मज़ा आ गया। बहुत खाना खा चुका हूँ मैं, अब तो कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, मेरे को बहुत नींद आ रही है। सुबह 3 बजे से उठा हूँ मैं। देखते हैं अभी कुछ थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे। और ये पूरे एरिया में इन लोगों ने बहुत सारा ऐसा ट्रीज़ वगैरह लगा के रखा है एंड सबके पास ऐसा नाम लिखा हुआ है। मस्त लगा मेरे को ये चीज़। ऐसा जनरली मेरे को समझ नहीं आता कि कौन सा ट्री है कैसा है, तो ये नाम लिखे मेरे को पूरा बढ़िया से पता चल रहा है कौन सा ट्री क्या है। यहाँ पे इन लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर रखा है। वहाँ पे गुआवा है, मेरे को दिख रहा है, आपको शायद कैमरे में नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे तो कैबेज बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं, यहाँ सामने ही पूरे दिख रहे हैं। यहाँ पे भी एक गुआवा है, बनाना है, यहाँ पे काफ़ी कुछ है, मस्त है। यहाँ मेन बिल्डिंग के जस्ट सामने यहाँ पे कुछ चेयर टेबल चेयर्स हैं, यहाँ पे आप कॉफ़ी वॉफ़ी पी सकते हो सुबह सुबह, बहुत ही बढ़िया आनंद ले सकते हो एकदम पैलेस का, बहुत ही सुंदर है। और 3:30 हो चुका है एंड हम लोग यहाँ से तकरीबन वही 5-6 बजे के अराउंड निकल जाएंगे। मैं तब तक थोड़ा सा अंदर जाता हूँ एंड कुछ रील्स बना लेता हूँ। तो यहाँ पे चेस भी है खेलने के लिए एंड कैरम भी है और मैं भी हूँ। ये जो है ये एक्चुअल में एक मशीन गन है, इसका ये हैंडल है एंड ये वो मशीन गन है जो वर्ल्ड वॉर में यूज़ हुआ था। यहाँ पे देख सकते हो लिखा है, इसका नंबर लिखा है एंड यहाँ लिखा है MG 08, मशीन गन 08 एंड ये बर्लिन ने यूज़ किया था मनी हाइस्ट में। नहीं नहीं, जोक्स अपार्ट, ये इंडिया का नहीं है, ये बर्लिन जर्मनी वालों ने यूज़ किया होगा। तो ऐसा हुआ कि जर्मनी हार गई होगी तो उनसे एंड मतलब सारे ट्रूप्स मर गए होंगे बेसिकली, तो ये बचा होगा तो इसको लेकर यहाँ आया गया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मेरे को, बहुत ही, मैं पहली बार लाइफ में मशीन गन देखा हूँ वो भी इतना पुराना, सुपर। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग लगा मेरे को ऐसा सीढ़ी। इस पूरे जगह ना घूमने के लिए तो बहुत ही अच्छा है, मतलब अगर आप यहाँ पे एक बार आते हो तो आपके पास इतने सारे फोटोग्राफ्स होंगे कि आप 1 महीना 2 महीना आराम से चला सकते हो, आराम से। मतलब इंस्टाग्राम पे आप डेली पोस्ट करोगे फिर भी ख़त्म नहीं होगा, इतने सारे अच्छे लोकेशन है यहाँ पे फोटोग्राफ्स वगैरह लेने के लिए। ये देख लो कितना बढ़िया लग रहा है, कितना बढ़िया, ओफ मस्त है यार, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ओके, क्विकली एक रूम टूर भी दे देता हूँ क्योंकि रूम एक्चुअली बहुत मेस्ड अप है, तो मैं बस हल्का सा आपको दिखाता हूँ। ऐसा कुछ एंट्रेंस है एंड ये जो है ये इनका बेसिक रूम है, इससे भी अलग अलग रूम्स भी हैं अवेलेबल। तो ये ऐसा रूम है, यहाँ पे एक ऐसा रॉयल सा बेड है, यहाँ पे आपको बैठने के लिए 2 चेयर मिलते हैं एंड ये टेबल काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें मिरर है, सो कूल। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मिरर है, जैसे ये ट्रे, इसमें भी मिरर है, ये बाथरूम, इसमें भी मिरर है, सो कूल। तो ये एक छोटू सा रूम टूर, सो इट्स ड्रोन टाइम, ड्रोन फुटेज इन 3, 2, 1। तो ये पैलेस 200 ईयर्स ओल्ड है बट बिल्कुल भी ऐसा लगता नहीं है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मेंटेन्ड है, बहुत अच्छे तरीके से मेंटेनेंस किया गया है इसका। इनफैक्ट इसको ये 2016 में इसकी मेंटेनेंस शुरू हुई थी एंड 2018 में वापस से एकदम परफेक्ट हो चुका था ये। तो ये एक काफ़ी अच्छा है कि इतनी पुरानी हिस्ट्री को अभी भी बहुत अच्छी तरीके से रखा जा रहा है एंड इसमें ऐसे भी कुछ वैसे अजीब से चेंजेस नहीं किए गए हैं जो जिससे ये लगे कि ये बहुत मॉडर्न है, ये एकदम पूरे अपने ऑथेंटिक स्टेट में है जो कि बहुत अच्छा लगा मेरे को। ओके, तो जैसा मैं आप लोगों को बताया था, इनके पास आप बुकिंग कर सकते हो, रह सकते हो एंड अगर आप बुकिंग करते हो तो आप यहाँ पर
खाना खाओगे। यह इनका डाइनिंग एरिया मतलब गेस्ट्स के लिए। हम लोग तो थोड़ा स्पेशल गेस्ट थे इसलिए हमें अंदर खाना खिलाया गया था। अब जो है हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे तो घूम चुके हैं बहुत अच्छे से, अब हम लोग जा रहे हैं उसके ऊपर वाले फ्लोर पे। तो यहाँ पे अगर वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी मिल जाए ना यार, तो सो के काम करूँगा। एंड मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं यहाँ बहुत अच्छे से काम कर पाऊँगा, मैं अपना 100% दे पाऊँगा फिर, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब आपके सामने ऐसा नज़ारा हो, इधर से सनलाइट आ रहे हो, इधर से सनलाइट आ रही हो, तो आप मतलब कैसे नहीं दोगे अपना 100%। सोच लिया मैंने, डन है, ऐसा एक पैटर्न बनाऊँगा, अकेला रहूँगा। थक चुका हूँ यार मैं, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या वीडियो करूँ, क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ मैं। ओके, सो दिस इज़ द रॉयल बालकनी, बढ़िया व्यू है यहाँ से भी, काफ़ी अच्छा अपना उनका ऑर्गेनिक फार्म यहाँ से देख सकते हैं। एंड ये टेबल चेयर मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मस्त लग रहा है मुझे ये। तो ऑलमोस्ट हम लोगों का काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, एंड अब हम लोग सोच रहे हैं यहाँ से बस निकल लेंगे, क्योंकि अभी टाइम हो गया है 4:45 हो चुका है, हमें जाने में फिर से 6 घंटे का अराउंड लग जाएगा। तो अगर हम लोग और आधे घंटे में नहीं निकलते तो फिर पहुँचते पहुँचते बहुत रात हो जाएगा। तो अब हम लोग बस यहाँ से निकलेंगे, बाकी कुछ कुछ जगह है ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे घूमने का, वो मैं देख लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। बागबान में यही यूज़ किया था अमिताभ बच्चन ने। यार ये क्या बढ़िया एरिया है। सो दिस इज़ प्राइवेट ड्राइंग रूम, इधर जाना अलाउड नहीं है, यहाँ तक जाना आई गेस अलाउड है, वहाँ भी नो एंट्री है। यहाँ पे एक सुइट है, नीचे भी एक सुइट था, एंड हम लोग को जहाँ रूम मिला है वहाँ पे भी एक सुइट था। एक माइंड ब्लोइंग चीज मेरे को पता चला है, ये जो स्कल देख रहे हो आप, ये ओरिजिनल स्कल है, किसका है मुझे नहीं पता लेकिन ओरिजिनल है। लुक्स स्केरी, यहाँ पे उसका एंड में टीथ तक दिख रहा है। और एक माइंड ब्लोइंग चीज दिखाता हूँ, इनफैक्ट ये जो है ये सब भी ओरिजिनल है। ये भी ओरिजिनल है, सबसे बढ़िया सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये जो है ये भी ओरिजिनल है। यहाँ पे अगर आप देख पाओगे एक कट लगा है बीच में, उसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसका जो स्किन है वो भी ओरिजिनल है, एंड इसके नीचे आप एक कट देख रहे होगे, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसके अंदर का सब कुछ निकाल के जैसे मम्मी को प्रिजर्व करके रखा जाता है वैसे इसको प्रिजर्व करके यहाँ पर रखा गया। और बहुत ही भयंकर लग रहा है, मतलब इसकी आंखें मतलब भयानक लग रही थी, बहुत ख़तरनाक, मस्त लगा मेरे को, मैं पहली बार ऐसा कुछ देखा, मज़ा आ गया, मुझे तो सलमान खान की याद आ गई। ऑलराइट गाइस, तो आज का दिन हमारा अब समाप्त हो चुका है, एंड हम यहाँ से अब निकलने वाले हैं, हमारा जो काम था बहुत अच्छे तरीके से हो गया, एंड वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। सो आज का ब्लॉग अब यहीं पे ख़त्म करते हैं, एंड अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एंड प्लीज़ शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में इतना बढ़िया पैलेस है जो कि लोग नहीं जानते, मतलब भुवनेश्वर में ट्रस्ट मी आई डोंट थिंक बहुत लोगों को पता है इस पैलेस के बारे में, एंड मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस जगह के बारे में पता चले, एंड वो लोग आए यहाँ पर घूमें, क्योंकि ये सीरियसली ये आपकी ज़िंदगी का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस होगा, ट्रस्ट मी, बहुत बढ़िया लगा यहाँ पर आकर। एंड होपफुली मैं दोबारा फिर से आऊँगा कभी थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए, ताकि मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर सकूँ, एंड ज़्यादा अच्छे फोटोग्राफ्स लेके सकूँ। इनफैक्ट मैं आज अपना तो एक भी फोटोग्राफ नहीं लिया हूँ, एक लिया हूँ शायद, बट पता नहीं वो अच्छा है या नहीं, मैं ऐसे कैमरा स्टैंड लगा के लिया था तो मैं देखा भी नहीं वो कैसा है। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड मिलते हैं आप लोग इस नेक्स्ट वीडियो में। एडियोस।